हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ SBL के पोस्टोनम ड्रॉप्स के बारे में, जो मेल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, स्पेशली अगर प्रोस्टेट बढ़ जाए, उसकी वजह से यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस आने लग जाए, यूरिन में प्रॉब्लम होने लग जाए, तो इस केस में दवा बहुत अच्छे से काम करती है। आज मैं इसी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से लक्षण मिलने पर आप इसको यूज कर सकते हैं, किस डोज में आपको लेना है, कितने टाइम तक लेना है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं प्रोस्टोनम ड्रॉप्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रोस्टोनम ड्रॉप जो होती है बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में, स्पेशली मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एजिंग के साथ साथ बहुत कॉमन होती है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी BPH की प्रॉब्लम हो गई, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की हो गई, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से यूरिनरी डिस्टर्बेंसेज आने लगते हैं, यूरिन में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तो ये दवा इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, BPH के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो BPH क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब बात करते हैं कि जो प्रोस्टोनम ड्रॉप्स हैं, ये कौन कौन से लक्षण मिलने पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या फिर आपको BPH की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको यूरिन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, स्पेशली रात के टाइम बहुत बार उठना पड़ता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो जाती है, यूरिन कभी भी लीक हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप करके आने लग जाता है, ऐसी फीलिंग आती है कि यूरिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अगर यूरिन के टाइम पे आपको जलन होती है, यूरिन के बाद आपको जलन होती है, या फिर आपका यूरिन का जो फ्लो है वो इंटरप्टेड रहता है, थोड़ा सा यूरिन पास होता है उसके बाद रुक जाता है, और कई बार क्या होता है कि यूरिन को पास करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके यूरिन निकलता है। तो इन सारे लक्षणों में ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इस दवा के कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडेड हैं, जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि कोनियम हो गया, परेरा हो गया, चिमाफिला हो गया, पल्सिटिला हो गया, क्लीमैटिस और सबल सेरुलाटा, ये सारी मेडिसिन 3X फॉर्म में इसमें इंक्लूडेड हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, जहाँ पे इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन होता है, यूरिन में बर्निंग होती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होती है, BPH की प्रॉब्लम होती है, इनोरेसिस की प्रॉब्लम होती है, तो इन सारे केसेस में ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर इस मेडिसिन के डोजेस की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, आप इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको 2 से 3 महीने, 4 महीने लेना पड़ सकता है, धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो ये जो 30 ml का पैक आता है इसका, ये 160 rupees का आता है, और आपके किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक स्टोर नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, बहुत सारी लीडिंग साइट्स पे ये ईजिली अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रोस्टोनम ड्रॉप्स के बारे में मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं यूरिन से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड, तो इस दवा को यूज़ कीजिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।